तालिबान के कब्जे के बाद जहां अफगानिस्तान एक ओर हिंसा के चक्र में फंसा हुआ है, वहीं देश के निर्वासित राष्ट्रपति अशरफ गनी की बेटी मरियम गनी को न्यूयॉर्क शहर में टहलते हुए देखा गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरियम को ब्रुकलिन में एक दोस्त के साथ बाहर देखा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लिंटन हिल के पास एक लग्जरी बिल्डिंग में रहने वाली मरियम को अपना मास्क हाथ में लिए हुए टहलते हुए देखा गया। वो पेशे से एक फिल्म मेकर और विजुअल आर्टिस्ट है। आपको बताएं तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को संयुक्त अरब अमीरात में शरण दी गई है। तालिबान के काबुल के पास पहुंचते ही गनी रविवार को अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए। यूएई की सरकारी वेब न्यूज एजेंसी ने गनी को देश में होने की पुष्टि की है, मगर ये नहीं बताया है कि वो देश में किस जगह पर रह रहे हैं। बता दें कि मरियम की मां रूला गनी लेबनान की नागरिक है। मरियम गनी ने अमेरिकी नागरिकों को राजनेताओं से अफगान शरणार्थियों के निर्वासन रोकने और देश छोड़ने वाले लोगों के लिए वीजा में तेजी लाने की मांग की है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में मरियम गनी ने लिखा था कि वे उन सभी लोगों को शुक्रिया करती हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। वहीं मरियम पेशे से फिल्म मेकर है, वो फिलहाल बेनिंगटन कॉलेज में पढ़ती है। वहीं अशरफ गनी ने बुधवार को देर रात अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ये पुष्टि की गई है कि वो संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। अशरफ गनी ने काबुल छोड़कर भागने के अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि खून खराबा रोकने का यही रास्ता था। वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अप्रत्यक्ष तौर पर ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत के उन आरोपों को भी खारिज करने की कोशिश की है जिसमें उनके ऊपर राजकोष से $169 मिलियन चोरी करने का आरोप लगाया गया है। गनी ने दावा किया है कि उन्हें एक जोड़ी पारंपरिक कपड़ों और सैंडल में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा जो उन्होंने पहन रखे हैं। गनी ने कहा कि इन दिनों आरोप लगाए गए हैं कि वो पैसा लेकर भाग गए हैं, लेकिन ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।